ऐसे ऐसे चुनाव मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों को भी सीट बदल का डर सता है, जिसके चलते वो खुलकर अपना पक्ष जनता के सामने नहीं रख पा रहे हैं। कार्यकर्ता खुद को मजदार में महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़े चुनाव के दावेदार विवाह समारोह और आयोजनों तक ही सीमित रह गए हैं। वो चुनाव प्रचार में जाने से कतराने लगे हैं। हरियाणा की 10 सीटें जीतने के लिए राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जहां रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं, वहीं कई मौजूदा सांसद और संभावित उम्मीदवार टिकट बदलने के असमंजस के कारण प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतर पा रहे हैं। इससे इन सांसदों के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता मझधार में फंस गए हैं कि वो जनता के बीच आखिरकार किस नाम और आधार पर जाए। पार्टी के कार्यकर्ता के सामने दुविधा ये है कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाए या गठबंधन के लिए। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मौजूदा वक्त में भाजपा के सांसद हैं, वहीं कांग्रेस इन सभी 10 लोकसभा सीटों पर वापसी करने के लिए आपसे गठबंधन कर चुकी है। कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र की सीट पर आपके प्रत्याशी सुशील गुप्ता के लिए खाली कर दी है, लेकिन बाकी की 9 सीटों पर न तो पार्टी उम्मीदवार घोषित कर पा रही है और न ही अंतिम रणनीति कार्यकर्ताओं तक पहुँचा पा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने के लिए हरियाणा में मजबूती से मैदान में उतर चुकी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर राज्य की अहमियत को स्वीकारा है, लेकिन पार्टी के किसी भी सांसद का वर्तमान सीट पर फिलहाल टिकट फाइनल नहीं किया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा है कि कई सांसदों की या तो सीट बदली जाएगी और मजबूत उम्मीदवार मिलने पर 2-3 का टिकट कट सकता है। भाजपा कार्यकर्ता के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से किसी लोकसभा सीट पर समझौता होगा भी या नहीं। सांसदों उम्मीदवारों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की कशमकश के चलते चुनावी रंग अभी तक नहीं चढ़ सका है। न तो कोई संभावित उम्मीदवार बैनर होर्डिंग और तीज त्यौहार के बधाई संदेश लगा पा रहा है और न ही कार्यकर्ताओं में जोश भर पा रहा है। हालांकि विवाह के मुहूर्त के चलते उम्मीदवार हर न्योते और आयोजनों में शिरकत जरूर कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रही हैं। दोनों ही दल प्रत्याशियों के चयन में स्थानीय जातीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन करेंगे। ऐसे में चुनाव की तिथियों की घोषणा होने तक ये दुविधा बनी रहेगी।